ये जो मुक्ति है ना, ये भक्ति की दासी है, जिसे चाहे भक्ति उसे दे दे मुक्ति। तो मुक्ति भक्ति की दासी है, लेकिन अब आपकी भक्ति भावना वही होनी चाहिए, तब जाकर आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस कलयुग में अलम व्रतैर अलम तीर्थैर अलम ज्ञानैर अलम मखै अलम योगैर अलम मखै अलम ज्ञान कथा लापे भक्तेरेकै मुक्तिदा। कलयुग में ज्ञान आलाप बहुत हो गए, ज्ञान कर्म आदि सब कर लिए, लेकिन भक्ति एकैव मुक्तिदा। इस कलयुग में एक वक्त भक्ति ही है जो मुक्ति प्रदान करने वाली है। न तपो भिन्न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरि ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। अर्थात न तप से, न धन से, न ज्ञान से भगवान तो बस साधते हैं, भक्ति से। तथा च भक्ति भज धातु से भक्ति शब्द बनता है, भक्ति शब्द बनता है। आपका सेवा भाव प्रभु के चरणों में जितना अधिक होगा उतनी ही भक्ति प्रगाढ़ होगी।